दोस्तों, अगर आपके पास है ये दो चीजें तो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं पार्टी मेकअप। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेली ब्यूटी केयर में, जहां हम आपको बताते हैं आपकी त्वचा की देखभाल, बालों की देखभाल, सौंदर्य उपचार, मेकअप टिप्स और भी बहुत सारे घरेलू टिप्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास है ये दो चीजें तो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं पार्टी मेकअप। तो आइए जानते हैं कि आप घर पर पार्टी मेकअप कैसे करें। पार्टी मेकअप का मतलब सिर्फ ब्यूटी पार्लर ही नहीं, अगर सही जानकारी हो तो आप घर पर ही पार्टी मेकअप कर सकते हैं। आपको तो यह पता ही होगा कि आपके व्यक्तित्व को निखारने में मेकअप का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर आपका व्यक्तित्व निखरा होगा तो आप में आत्मविश्वास भी अधिक होगा। इसलिए मेकअप को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पार्टी के लिए तैयार होते वक्त हर महिला की चाहत होती है कि वह सबसे अलग और सबसे खूबसूरत दिखे। मेकअप उसी का एक चरण है। यह आपकी खूबसूरती को निखारने के साथ साथ आपके रूप को अधिक आकर्षक भी बनाता है। सही प्रकार से किया गया मेकअप आपके चेहरे को चुंबक की तरह बना देता है कि सबकी नजर सिर्फ आप पर ही जाती है। पार्टी में कैसा मेकअप किया जाए, इस बात को लेकर अक्सर दुविधा रहती है। एक बात तो हम आपको बता दें कि ज्यादा मेकअप सुंदरता हासिल करने का तरीका नहीं है। सही प्रकार से और सही अनुपात में किया जाने वाला मेकअप ही आपके रूप को निखारने में मदद करता है। जहाँ तक बात है घर पर खुद मेकअप करने की, तो इसके लिए सबसे जरूरी है ये दो उत्पादों का चयन। अच्छे और सही उत्पाद आपको मन माफिक रूप में हासिल करने में मदद करेंगे। घर पर मेकअप करने के लिए आपको इन सामान की जरूरत पड़ सकती है: क्लींजर, बेस या फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट आईलाइनर, मस्कारा, लिप लाइनर, लिपस्टिक, आईब्रो पेंसिल और ब्लश ऑन। फेस मेकअप। अपने चेहरे को मेकअप के जरिए निखारने के लिए सबसे पहले क्लींजिंग से चेहरे को अच्छी तरह से साफ करें, फिर टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करें, इसके बाद क्लींजर लगाएं। क्लींजर से फेस के दाग धब्बों को छिपाने में मदद मिलती है। फिर फाउंडेशन लगाएं। ध्यान रहे कि फाउंडेशन स्किन कलर से मैच करता हो। शिमर लुक देने के लिए क्रीम ब्लशर लगा सकते हैं। इसके बाद फेस पाउडर लगाएं और एक नेचुरल बेस बनाएं। आंखों का मेकअप। रात की पार्टी के लिए आंखों पर डार्क मेकअप आकर्षक होता है। दिन के समय लाइट शेड वाले आई शेडो का प्रयोग करें। लगाने से पहले ऊपरी पलकों पर फाउंडेशन और लूज पाउडर बारी बारी से हल्के ब्रश से लगाएं। साथ ही आई पेंसिल से ऊपर की पलकों के ऊपर पतली रेखा खींचकर उसे ब्रश से फैला दें, ताकि आईलिड बड़ी दिखे। यहाँ एक बात का ध्यान रहे कि थकी आंखों पर अधिक और गहरा मेकअप कभी भी ना करें। हेयर स्टाइल को कुछ खास बनाएं। मेकअप के अलावा आपको हेयर स्टाइल भी बहुत मायने रखता है। हेयर स्टाइल्स में भी आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। लूज कर्ल्स और रोमांटिक अपडोज के साथ बालों को स्टाइलिश लुक देने का नया ट्रेंड है। इसके साथ ही टाइट पोनीटेल भी आजकल फैशन में है। होठों का मेकअप। होठों को पतला दिखाने के लिए लिपस्टिक के शेड से मैच करते लिप लाइनर का प्रयोग होठों के अंदर की तरफ यानी इनर लाइन पर करें। डार्क शेड का प्रयोग बिल्कुल ना करें और लिप ग्लास का सिंगल कोट चढ़ाएं। इसके विपरीत ही होठों को मोटा दिखाने के लिए लिप लाइनर को होठों के बाहरी कॉर्नर पर लगाएं। लिपस्टिक का कोई भी रिच शेड लगाएं और लिप ग्लॉस की सहायता से ऊपर और नीचे के होठों के बीच के हिस्से को हाईलाइट करें। बस तो फिर देर किस बात की, पार्टी में जाने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। एक छोटी सी कमी रह गई है, अपने कान के पीछे जरा काला टीका लगा लीजिए, कहीं किसी की नजर न लग जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल डेली ब्यूटी केयर के साथ।